हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह। सुबह का टाइम है और बस मैं अभी अपना जो है ना उठी हूँ, तो थोड़ा सा मैं लेट ही हुई थी, हो ही गई थी। अभी एक दो दिनों से ना लेट ही चल रही हूँ, ज़्यादा इतनी सुबह से नहीं उठ पाती हूँ। ठंडी भी एकदम से बढ़ गई है ना, तो इच्छा सी नहीं होती है। और अभी फ़िलहाल तो कार्तिक की छुट्टियां जो है वो पड़ गई हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि काम जो है मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। बस अब धीरे धीरे जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं, तो वो अंदर ही मतलब होते रहेंगे थोड़े थोड़े। तो धूल कितना भी कुछ कर लो, झाड़ू लगाती हूँ ना, तो धूल डस्ट जो है ना वो जमी जाती है। तो सबसे पहले मैंने उठकर फ्रेश रेस हुई, और उसके बाद मैंने चाय पानी जो है वो पी लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ लग गई अपने कामों में। और ये लोग अभी सब सो रहे हैं, तो फिर यहाँ की जो टेबल है ना ये वाली, ये रह गई थी। तो वैसे उस दिन पोछ दी थी, पर दो दिनों से जब झाड़ू लगी, डस्ट वगैरह बैठ गई है ना, किताब कॉपी और ये स्टू मतलब पूरी टेबल पे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, और भी जो चीज़ें हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे। तो ये छोटे मोटे जो काम है ना वो ऐसे चलते ही रहेंगे, और जब तक दिवाली क्या हमारी, तो ये सफाई क्लीनिंग ये तो हमेशा चलती ही रहती है। पर जब दिवाली और खुशी वाली मतलब इतना बड़ा त्यौहार हो, तो इसमें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करके ही सफाई होती है, तो उसमें ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इतनी कमर तोड़ मेहनत हो जाती है ना कि कुछ पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। अभी ना 3-4 दिनों से ना हम लोग डेली सुबह से जो लग रहे हैं, सुबह से लगने के बाद रात को वही बज जाते हैं, 9-10 ऐसे बज जाते हैं। तो मैं एकदम से भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ना हाथ मेरा ज़्यादा पेन होने लगता है, तो इस कारण से ना मैं थोड़ा सा रुक रुक के भी करती हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर मैं एकदम से, वैसे कर सकती थी और करती भी थी पहले, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसे त्योहारों के लिए, तो मैं कितने मौके ढूंढती थी कि हाँ घर को क्लीन करूँगी, सफाई करूँगी। तो इस साल ना वो खुशी अधूरी सी रह गई है, क्योंकि हमने इस साल घर को पेंट भी नहीं किया है, पुताई नहीं की है, क्योंकि ये सारा कुछ ना मैं ही करती थी। मेरे हस्बैंड भी करवा लेते थे, लेकिन मेरी खुशी अलग रहती थी। मैं अपने हाथों से ही घर को है ना मतलब पुताई करती थी अच्छे से, पेंट, वो खुशी अलग थी। लेकिन इस साल मैं नहीं कर पाई ना, तो थोड़ी सी खुशी जो है ना बड़ी कम सी लग रही है। कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन जो एक जो साल भर की जो सफाई और वो होती है ना पुताई, तो उसके कारण ना थोड़ा सा घर लगता है कि काम लगता है पूरा नहीं हुआ, देख देख के लगता है, क्योंकि हर साल करते आई हूँ और इस साल नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो वही देख देख के मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियाँ भी सभी को फेस करना पड़ता है, हमें हर चीज़ को देख कर ही चलना पड़ता है। सब हमारे हाथ में नहीं होता है, सब ये तो भगवान की मर्जी है कि क्या लिखा है क्या नहीं, और इस साल ऐसा ही होना था शायद, ये भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है कि हमारे बस में कुछ हो, पर कोई नहीं, दुख और सुख तो सब बने रहते हैं, सब हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। तो फिर हमने है ना बढ़िया सी क्लीनिंग वगैरह तो कर ली, सब हो गया, तो फिर भी खुशी खुशी बहुत बहुत ही खुश हैं कि चलो ठीक है, अभी मतलब ज़िंदा है उतने ही बहुत है कि चलो ये भी त्यौहार जो है ना हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, और आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा धूल डस्ट एक ही दिन मैंने मतलब वो किया है, और इतनी ज़्यादा धूल डस्ट हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने छत में है ना दोबारा से जो है वो किया था, धोया था छत को एक बार, और पहले मैंने धो दिया था, और उसके बाद ना मैंने दोबारा फिर धोया। जब तक एक दो बार धोएंगे नहीं ना, तो उसकी जो धूल डस्ट है ना वो सीढ़ियों की वो निकलती ही रहेगी,
और कल मैंने यहाँ पर लिपाई भी की और आप लोग देख रहे होंगे फिर भी कैसा दिख रहा है, ठीक ठाक से नहीं दिख रहा है। तो इसमें ना एक बार और करूँगी क्योंकि ये धूल डस्ट जितनी बैठी है ना तो वो उसी में ही जो है ना चिपक गई है, तो इस वजह से वो ठीक नहीं दिख रहा है। अब की बार करूँगी ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, फिर मेरा घर भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसी तरीके से मैं अपने घर को जो है चमका लूँगी अच्छे से लिपाई करके सब कुछ, और बाकी का फिर जो है ना और भी जो काम है ना वो भी करते जाऊँगी। अभी बहुत सारे जो है ना अभी ऐसी सफाइयाँ रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी करनी है, और बीच बीच में कपड़े वगैरह भी धुलते जा रहे हैं। तो बस अभी मैंने मॉर्निंग से जो शुरुआत कर दी है सुबह से, और बीच में अभी थोड़ा सा रुक के मैं खाना बना लूँगी और काम भी जो है वो करते जाऊँगी, तो काम भी जो है ना होते जाएंगे, क्योंकि फिर इकट्ठा काम में ही लग जाओ तो ना खाने का पता रहता है ना कुछ, खाना मतलब बन ही नहीं पाता है फिर, ऐसा रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पहले कर लेती हूँ फिर उसके बाद खाना में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है आधे से ज़्यादा, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। फ्रिज भी मुझे साफ़ करना था, धोना था, तो मैंने सोचा जितनी फ्रिज देखा तो बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सी मतलब सभी प्रकार की सब्जियाँ जो है ना वो रखी थी, तो छोड़ मतलब एक एक ना रह ही जाती हैं। एक बैंगन था, गाजर थी दो तो छोटी छोटी सी, थोड़ा सा पत्ता गोभी था आधा, और एक शिमला मिर्च थी, और एक लाल वाली थी, एक पीली वाली वो हरी वाली थी, मतलब वो पक गई थी वो उसी टाइप में वही वाली थी, और आलू डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मैंने एक मिक्स वेज जो है वो सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज दोपहर के लंच में यही खाएंगे, सब्ज़ी और रोटी। तो मैंने कहा क्यों वेस्ट करना, और देखिए कितनी अच्छी लग रही, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना सब्ज़ी, एकदम रंग बिरंगी, और बनी भी बहुत बढ़िया थी, इतनी अच्छी बनी थी ना कि मैं सच बताऊँ ना, फिर बनाते बनाते ना क्या हुआ मम्मी भी आ गई इस टाइम पे, मैं सब्ज़ी बना ही रही थी और मम्मी आ गई। तो यहाँ पर फिर मैं मम्मी से बातें ही कर रही थी और खाना भी बनाते जा रही थी, फिर हमने सब साथ में मिलकर खाना खाए, मम्मी ने हमने और सब लोगों ने, तो सब ने, तो बस उसके बाद बातें। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो गया है, रात के 7 शाम के 7:15 हो गए हैं, और मैं जा रही हूँ अभी किचन में खाना बनाने के लिए। और आज ना बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया, आज क्या हुआ कि आज हमारे यहाँ के नल नहीं आए, और पानी की बोतल मुश्किल से 4 बोतल है, और 4 बोतल में मुझे लगता है 3 बोतल बस पानी है, एक बोतल तो खाली हो गई है, और एक अभी मेरे हस्बैंड लेकर चले गए हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक बोतल वो रखते हैं पानी के लिए। तो आज इतना बड़ा धोखा हो गया, पानी नहीं आया तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई ना। पानी वैसे भरा है, पीने वो वाला भरा है मतलब वॉश करने के लिए चीज़ें, लेकिन पीने के लिए ना अभी है, हो जाएगा, लेकिन ये है कि कभी कभी ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। और अच्छा हुआ था कि मैंने बॉटल भी भर ली थी, कसड़ी है ना जो मेरी जो ये पीतल की कसड़ी, ये भी मैंने भर ली थी, तांबे की क्या बोलते उसको, एक तो मैं भूल जाती हूँ, तो ये हो गया। कोई नहीं, पानी सुबह आ जाएगा तो भर लेंगे। और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कार्तिक को लग रही भूख, और कार्तिक लाया है अपने लिए 2 समोसे, कहते बहुत गरम गरम समोसे हैं, अब भी सेके कार्तिक, देखिए कार्तिक लाए, हाँ तभी तो मुझे गरम लग गया। कितने छोटू छोटू से हैं, जब छोटू हैं तो मतलब है ना इनका रेट भी कम है, 5 रुपए का एक है। तो ये वो रहता है ना सीधा जिससे निकालते हैं, तो इसे निकाले वहां करहिया पे रखे और सीधा देने दे दिए, इतनी भीड़ लगी थी। हाँ सही है, खा ले। और कार्तिक गया था थोड़ी सी सब्जी लेने, मतलब कार्तिक नहीं, कार्तिक और कार्तिक के पापा। क्या हुआ था इस सैटरडे को ना, मैं सब्जी लेने नहीं गई, कोई सब्जी नहीं लाई, सच बताऊँ एक हफ्ते अगर सब्जी नहीं लाओ ना तो कितनी दिक्कत हो जाती है, प्याज इतने भारी महंगे चल रहे हैं।
लेकिन मंगवाने पड़े क्योंकि बिना प्याज के कोई ग्रेवी वाली सब्जी बन ही नहीं सकती है। तो देखिए आधा किलो प्याज आई है, अब आधा किलो है पता नहीं कितनी है, 20 रुपए की प्याज है और सोयाबीन की बड़ी है। ये मैं इसी के सब्जी बनाने जा रही हूँ, ठीक है चटनी डाल दूँ इसी में, सब मिक्स कर लूँ। एक चटनी मिली है। एक ही चटनी है? हाँ तो ठीक है ना, अभी बस अभी थोड़ी देर में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा खाना बनाने में। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई है गरम गरम, और बस थोड़े से बर्तन हैं तो आज मैं नहीं धोऊंगी। 2 दिनों से पता है क्या हो रहा है कि मैं बर्तन धो रही हूँ, 2-3 दिनों से मैं खुद धो लेती हूँ कि चलो क्यों परेशान करना। तो इतना ज़्यादा आज पूरा दिन हो गया, मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा छिलमिला रहा है अंदर से, तो ऐसा लग रहा है क्या करूँ, हाथ के साथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और कपड़े भी धो लिए मैंने कल ना, मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए क्योंकि दिवाली भी आ रही ना, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, और नहीं करूँगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे ही। तो मैंने है ना बस काम स्टार्ट कर दिया। अब इस साल ना हमारे यहाँ पेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यह घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है ना, तो मैं बढ़िया से चाह रही थी कि बढ़िया कोना कोना सब साफ़ हो जाए, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो ये है, तो चलिए फ्रेंड्स खाना बनाती हूँ। और इस महीने ना ग्रोसरी भी अभी बहुत लेट हो गई है, और महीने 1.5-2 महीने हो गए हैं मुझे लग रहा होने वाले हैं, तो सामान ना कुछ आ नहीं पाया। मैं रास्ता देख रही हूँ कि अब सीधे दिवाली के टाइम पे ही मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि सारे डिब्बे वगैरह मैंने अच्छे से धो धा के मांझ के रख दिए हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में ख़त्म हो रही ना, तो वो मंगवानी पड़ रही है, जैसे कि सोयाबीन की बड़ी आई है, और ये आया था कल बेसन आया था, तो ये ऐसे ही रख दिया है मैंने, अभी थोड़ा सा ही है, यूज हो ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने डब्बे में नहीं भरा। तो बस अभी फटाफट से काम करते हैं। और इतने सारे कपड़े देखिए, वो भी धोए थे, ये भी मैंने धोए थे कपड़े, और अंदर भी बहुत सारे रखे हैं सोफ़ा में, इतने सारे हाँ फोल्ड नहीं हुए अभी, कपड़े का काम जो है ना वो फोल्ड नहीं हो पाया है, कपड़े धुलते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, बस अभी उनका काम बाकी है बहुत ज़्यादा, तो वो करना है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने खाना जो है वो बना लिया था, बहुत ही सिंपल सी आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, और ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, कार्तिक को ना बहुत पसंद आई थी, तो ये कार्तिक के लिए ही मैं दे रही हूँ थाली। और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और क्योंकि है ना बाकी का काम कल करेंगे अब, क्योंकि रात को लाट जो है ना लेट भी हो गए थे इस वजह से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।